Welcome to my channel for Excel learning. If you want to learn Excel, please follow my channel. How to use if or function in Excel. Follow the sheet. दोस्तों आज हम if के साथ और के function को इस्तेमाल करना सीखेंगे. इसके लिए हमें एक sample data चाहिए होगा. ये हमारा sample data हमारे पास मौजूद है. लेकिन और को समझने के लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि एंड में जिस तरह हम दो लॉजिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, और इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. अगर और में लॉजिकल टेस्ट में कोई भी वैल्यू, यानी अगर दो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर दोनों क्राइटेरिया में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो और रिजल्ट जो है वो शो कर देगा, यानी या की सूरत में रिजल्ट इसमें आ जाता है. तो आइए देखते हैं, समझते हो और को कि और पे कट के फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको किस तरह अपनी शीट में यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्वल टू इफ और के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और एंड में जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था वही क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे. 625,000 और ट्रेनिंग का यस को हम डेटा के अंदर वैलिडेट करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे. दो क्राइटेरिया हमारे पास. जैसे हमने 620,000 किया और नो किया तो देखें वो जो 500 रुपये हमने बोनस के दिए थे वो हो गए सिफर. अब इसी तरह हम देखें नीचे वाली वैल्यू में 644,000 है, जो कि बड़ा है 625,000 से, लेकिन क्राइटेरिया में ट्रेनिंग में नो है. तो और के फंक्शन में अगर एक भी लॉजिक यानी ट्रू हो जाती है तो और अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है. जैसे ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. सीख फॉर्मूलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ट्रू आई को सब्सक्राइब कीजिए.